इनका कोई पशुधन का नुकसान हुआ है, बकरियों वगैरह का, तो उससे जुड़ा मामला है ये, कृपया मंच पर आ जाएं। उसके बाद श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह ये भी आगे आ जाएं। इनका गुरु गुरु समस्या को रू गुरु होकर के देखते हैं। वो सारे के सारे सब डिविजन के लेवल के सारे ऑफिस आपके जो है वो घर के नजदीक है। आदमी मोटरसाइकिल के ऊपर, स्कूटर के ऊपर, पैदल चल करके अपनी जो समस्या है उनका समाधान जो है पा सकता है। तो ये इसलिए किया गया है कि हमारे जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वेलफेयर की स्कीम है जो हम गांवों तक पहुंचाते हैं, उनका प्रचार और प्रसार हो, इसलिए ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। आपको पता है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा आपदा जो है वो मध्य प्रदेश में आई। मुझे भी बड़े लंबे समय तक लगभग 35 साल राजनीति में हुए हैं और इस लंबे अरसे में इस प्रकार की ट्रेजेडी, इस प्रकार की आपदा हमने नहीं देखी। और मेरे अपने क्षेत्र में बरसात के दिनों में भूस्खलन हुआ और तीन तीन चार चार मंजिला मकान जो है वो जमीन डोज हो गए। ऐसे लगता था कोई फिल्म बन रही हो, पूरे के पूरे पहाड़ तड़के गए। और इसी तरह से हमारे कुल्लू मनाली जो एक सबसे बड़ा पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा एरिया अच्छा था, ब्यास का किनारा था, वो सारी के सारे एरिया जो है वो खड्ड में तब्दील हो गए। बड़े बड़े होटल जो है वो बह गए और जानमान का नुकसान हुआ। 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज हमारे मुख्यमंत्री ने जो है वो शुरू किया, जबकि भारत सरकार से हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। हमने अपने साधनों से 45 करोड़ रुपये का जो है वो पैकेज बना करके एकदम से लोगों में राहत पहुंचाने का प्रयास किया। और खास करके ये हमारा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसका ब्यास के नीचे के जितने भी सारे एरिए जो थे वो पूरी तरह ब्यास के पानी से डैम लबालब भर गया और उसके पानी से हमारी बहुत सी फसलें तबाह हुई। पहली मरतबा मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा एक राजस्व मैनुअल होता है, राहत देने का मैनुअल, 100 रुपये का नुकसान होता था और हम सिर्फ 10 रुपये देते थे। उसने कहा कि इससे लोगों का भला नहीं हो सकता। अगर गरीब आदमी का किसी का घर जो है वो गिर गया है, जो है वो पूरे का पूरा दब गया है, चाहे वो कच्चा है चाहे पक्का है, उसने हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के उस मैनुअल को नहीं देखा। उसने कहा कि सभी को 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया। बहुत से लोगों को 7-7 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया, जबकि राहत मैनुअल में 1.5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं था। इसी तरह से जो फसलें बह गई, 1 बीघे का 14,000 रुपया जो है वो सरकार ने फसल का दिया। उसी वक्त BDO साहबान को हुक्म दिया कि किसी का डंगा चला गया, कोई जमीन का
छोटा मोटा क्रेट लगाना है, उसी वक्त उसको 1,00,000 रुपया जो है उसका प्रावधान किया गया। यानी कि कुछ फैसले हमने उसी वक्त किए, ऑन द स्पॉट किए कि कम से कम लोगों को राहत जो है वो देनी चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी तत्परता से हमारे मंत्रिमंडल, हमारे विधायक लोगों के घर तक पहुंचे, जो कभी मैंने इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं देखा जिससे कि लोगों को राहत मिले। हमारे इस इलाके में तो कम हुआ, लेकिन फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के नीचे के जितने एरिए थे, भवानी सिंह पठानिया पहले दौर में मैं उनके साथ गया, उसके बाद हमारे जो है उप मुख्यमंत्री गए, उसके बाद मंत्री जी गए, प्रधान मुख्यमंत्री जी गए, तो उस प्रकार से कई किस्म के राहत मैनुअल में बहुत सी चीजें हमने लोगों को प्रदान की हैं। ये हमारे सरकार के कार्यक्रम रहे हैं जो आपदा की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े रहे, सभी ने तत्परता से काम किया है। कुछ ऐसे कार्यक्रम सरकार ने नीतियां बनाई हैं, मुझे वो वक्त याद है कि एक बार एक मेरा बरादरी का एक लड़का MBBS में जो है वो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और विशेष करके श्री विभानी पठानिया जी का, जो आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, कि हमारी सरकार का ये कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार, ये कार्यक्रम श्री सुखविंदर सिंह सुखू जो हमारे नौजवान मुख्यमंत्री हैं, इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सी सरकार की गतिविधियां जो हमने एक साल में इन विकट परिस्थितियों में जो है वो कार्यक्रम चलाया, उसका ज्ञान जो है वो हमारे नीचे तक लोगों को इसके बारे में हमें जो है वो होना चाहिए। हमने ये कार्यक्रम इसलिए बनाया है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो सरकार का एक हिस्सा है, वो हमारे समाज के सबसे गरीब जो दूर दराज का रहने वाला इंसान है उसका भी वो हिस्सा है। विकास की किरण जो है वो सभी जगह पहुंचनी चाहिए और हमें पहचान होनी चाहिए कि ये सरकारी पदाधिकारी किस विभाग से काम करता है और किस प्रकार का काम है। थोड़ी जानकारी हमें जो है वो हर पंचायत लेवल के ऊपर, बूथ लेवल के ऊपर उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ हमने प्रदर्शनियां भी लगाई हैं जिसमें खेती बाड़ी की प्रदर्शनी है, बागवानी की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है जहाँ कुछ महिलाओं ने अच्छा काम किया है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी और हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सरकार हमेशा तालमेल से चलती है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा नमूना यही है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो आपके गांव तक पहुंचे, आपकी समस्याओं का जो है वो पूरा ध्यान करे और जो हमारे दूरदराज के लोग जो बार बार जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर श्रम कर्मचारियों के छोटे छोटे कामों के लिए वो चक्कर लगाते हैं और समय की जो है वो वेस्टेज होती है, सरकारी कर्मचारी कम ध्यान देते हैं, तो हम चाहते हैं सरकार खास करके जो चुने हुए विधायक हैं या मंत्री लोग हैं, सरकार के साथ तालमेल और गरीब लोगों के साथ तालमेल बड़ा आवश्यक है। उसी संदर्भ में ये सरकार गांव के द्वार का कार्यक्रम हमने